गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। टुडे इज 12th of September। मिलते हैं जरा रेडी होने के बाद। एंड हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रशांत। टुडे इज 12th of September। टाइम इज ऑलमोस्ट 10 AM एंड आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली फिल्म सिटी गोरेगांव। फिल्म सिटी खड़े हैं ब्रो। ईस्तान चतुर्वेदी ब्रो। ईस्तान चतुर्वेदी। सो विवेनस ट्रैफिक एंड मैं आदि से कह रहा था कि आदि उस टाइम ट्रैफिक में सैलरी पे बगल में खड़ा हो एंड लिटरली ईस्तान चतुर्वेदी वाज राइट बिहाइंड अस। हम एक घंटे से बगल में खड़े ईस्तान चतुर्वेदी के, हमने नोटिस ही नहीं किया भाई कितने बड़े खदे हैं लिटरली। एंड बाद में आदि ने बोला कि ईस्तान चतुर्वेदी ना सर वेब भी करा हमें। ये है दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी फिल्म सिटी मुंबई। अभी यहाँ से बादशाह निकला खुद ड्राइव करते हुए अपनी कार एंड ये भी अपनी बस रेडी है। चलती जाएगी आपकी जान तारी बढ़ती जाएगी और धीरे 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 आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो दुनिया जो आप टीवी देखकर चाहे हैं रंग बिरंगे खिलखिलाती जगमगाती चमचमाती चिलचिलाती रंगों से भरी दुनिया जो फिल्मों में चाहे हैं ऐसी कोई दुनिया नहीं। पर हुई है फिल्म डंकी की ऑलमोस्ट 40 डेज पहले। शाहरुख खान की मूवी डंकी है दोस्तों। शाहरुख खान की लास्ट मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र, जरूर देखना दोस्तों, कमाल की मूवी है। डंकी का मतलब जानते हैं क्या होता है? डंकी का मतलब डोंकी बिल्कुल भी नहीं होता। फिर क्या होता है? डंकी का मतलब होता है कि कुछ लोग इंग्लैंड अमेरिका ब्रिटेन वगैरह जाते हैं, उनके पास कागज कंप्लीट नहीं होते हैं तो कुछ इंजियंस का सहारा लेकर दो चार देशों से होते हुए पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से पहुंचते हैं उसे कहते हैं डंकी फ्लाइट से पहुंचना। दोस्तों वेलकम मूवी देखी आपने। एक उच्चे देखिए तो बताइए आवाज किसकी है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है। फिल्म हीरा मंडी की, हीरा मंडी का सेट है दोस्तों, शूटिंग चल रही है अंदर। इसकी हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, अदिति रवा हैदरी, मनीषा कुराला, रेखा और मुमताज। मुमताज पता है कौन? बिंदिया चमकेगी, पुरानी वाली दोस्तों, काफी टाइम बाद आ रही हैं। तो साफ कैन यू बिलीव इट, थोड़ा 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 करके बनाते हैं। लागत 15 करोड़ से भी ऊपर जाती है, शूटिंग मुश्किल से 15 दिन ही होती है। बड़ी से बड़ी मूवी जैसे कि पद्मावत 80 से 90 दिन में बनती है, छोटी मूवी जो शुभ बनाते हैं 30 से 40 दिन में बनती है। तो एक लोकेशन में कितनी शूटिंग होगी दोस्तों? यहाँ फंसना निकल आता है अच्छे अच्छों का। दोस्तों शमशेरा फिल्म 350 करोड़ में बनी थी, टोटल फ्लॉप हो गई। वो तो यशराज प्रोडक्शन है जिससे आ गया, कोई और होता तो ऊपर यशराज जी के पास चला जाता। बाईं तरफ दोस्तों फरहान अख्तर की मूवी, नाम है अग्नि। ऑन लेफ्ट साइड में दिस इज द सेट ऑफ फरहान अख्तर मूवी अग्नि। पहली जो पहला गाना है फिल्म के अंदर जहाँ पर दशहरा वगैरह दिखाया गया है वो सब यहीं पर ही हुआ है दोस्तों। बड़ा सा ग्राउंड था भैया, आपको बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई देगी उसके अंदर जो भी दिखाई देगा। फिल्मों में लोकेशन बहुत बड़ी दिखती है, पता नहीं कैसे, लेकिन बड़ी बहुत दिखती थी, बड़ी होती नहीं है लोकेशन। विष्णु मैदान रिया चुड़ैल के लिए बनाया था, विष्णुपुरा कान्हा जी फिल्म में यहाँ पर कोंडला किला बनाया गया था। कोंडला किले को जीतने के तानाजी मुक्त हो गए, किले को जीत के फिर तानाजी शहीद हो गए। दाएं तरफ गंगा नदी बनाई जाती है, जी हाँ, टैंकरों में पानी लाया जाता है, उड़ेला जाता है ठाकुर साहब, और गंगा पर जाती है। महाभारत में विष्णु पिता महात्मा माँ गंगा से मिले ही आते थे, क्योंकि रियल गंगा में जाती तो वापस नहीं आ पाती। भारत की पहली राजधानी हस्तिनापुरी है। भारत का नाम भारत महाभारत के समय से है, उससे पहले भारत का नाम हुआ करता था आर्यप्रत। बाईं तरफ जो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ इसे आगुचा गांव कहते हैं। स्वदेश प्रदेश लगान अपने दंगल फिल्म लाल सिंह चड्ढा भीम भैया के अंदर जो भी अपने गांव देखे हैं ना, शूटिंग गांवों में होती है, मतलब 2-4, 5, 8, 10 दिन बस दोस्तों। लेकिन डिफिकल्ट सीन्स जो होते हैं खेती बाड़ी करने के, सब वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी टीम को लेकर के जाना, खाना खर्चा करना बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। फिल्म मेकिंग अल्टीमेटली एक बिजनेस है, लोगों को ऑडिशन लेकर उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है, फिर शूटिंग होती है। किस तरीके से करते हैं पता नहीं चलता, इसे कहते हैं फिल्म जो है वो डायरेक्टर का स्टाइल है, राइट? डायरेक्टर चाहे तो वो कैसे भी दे सकता है। एक्टर के आने से फेस वैल्यू बढ़ सकते हैं, मगर सही काम डायरेक्टर का ही होता है जो सब यहाँ पर करते हैं।
रिया चोपड़ा साहब की महाभारत के अंदर दोस्तों 80% छूट यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर कृष्ण भगवान की लीला द्रोणाचार्य की बहुत सारी चीजें आपने देखी है। और लेसर जिस सूर्यवंशी मूवी आती है टीवी में आवाज रेखा की है दोस्तों, श्रीदेवी जय पड़ता हेमालनी। अभी भी अगर हिंदी बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई मद्रासी बोल रहे हैं, मगर रेखा के बोलने से नहीं लगता। ऐसा बोलते हैं कि रेखा को हिंदी अमिताभ बच्चन ने सिखाई है, अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ और भी सिखाया है हिंदी में। दोस्तों जब कोई बड़ा कलाकार आता है तो वहाँ रेड कार्पेट बिछता है, और रेड कार्पेट बिछा हुआ है ना तो कोई सुपरस्टार आया होगा, वैनिटी वैन बड़ी महंगी महंगी होती हैं, वहाँ पर गाड़ी बड़ी महंगी महंगी लगी होती है, देखो ना। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर तारक मेहता का एक सेट है दोस्तों, कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ एक फसाड है, मुखौटा है, उसके अंदर की सारे सीन वहाँ पर अंदर होते हैं। अभी दो चार दिन से बंद है क्योंकि बताओ अभी उन्होंने गणपति बिठाया था दोस्तों, पूरा हिल गया है बरसात से, लकड़ी तो है दोस्तों, फूल जाती है दोबारा डालनी पड़ती है, चढ़ जाती है लोगों के पीछे ना। इस गार्ड में बड़े सारे गाने दिल मूवी याद है, दिल दिल का पूरा कॉलेज दिखाया है यहाँ पर, अंदाज अपना अपना। अगर मूवी याद है आपको जिसका नाम वेलकम बैक, जिसमें जॉन अब्राहम बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, लंच टाइम जो आपने देखा है, क्रांतिवीर में आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने जो आपने देखा है, कितना बड़ा दिखता है, कितना सा है दोस्तों, थोड़ा सा रोकना। अजीदेव की गाड़ी का नंबर 7 होता है, या फिर 6701 होगा या फिर 7 होगा, कुछ लकी नंबर है उसका। अजय देवगन का रियल नेम है विशाल देवगन। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स को बहुत मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को बहुत मानते हैं। अमिताभ बच्चन गाड़ी का नंबर 1100 होता है, हो सकता है आई भी टीवी से चल रहा है, आगे चल रहा है। कितने एक्टिव है सही में, देखो उसमें कितने क्यूट लग रहे हैं, ब्रह्मास्त्र एकदम, जरा सा भी मिले नहीं ना माइंड से ना बॉडी से, जबकि उनसे 4-5 साल ही बड़े हैं ना, राइट हो जाएंगे। मनोज कुमार, धर्मेंद्र वगैरह जो कैसे हो गए ना, मनोज कुमार धूमधाम में गेट बना हुआ है पिछले, अरे यहाँ शूटिंग होगी दोस्तों, लगा ना काम जाम। कल यहाँ पर एक गाना चल रहा था, मतलब एक सीरियल के अंदर गाना आया है, वही मेरे ख्याल से हो रहा है शायद, हल्का सा रोकना दादू, यहाँ चलेगी शूटिंग। अरे अरे उस शो का वो है मेरे पांड्या स्टोर है दोस्तों, वो लड़का तो किंशुक है, देखा आपको दाढ़ी वाला लड़का किंशुक जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, पांडे जी पहले यहाँ पर सलमान का बिग बॉस हुआ, फिर मोहनलाल जी का, अभी फिर दोस्तों अक्टूबर से शुरू होने वाला है सलमान का बिग बॉस। ऑन लेफ्ट साइड दिस इज द सेट ऑफ सलमान खान बिग बॉस, जंजीर जंजीर जो मूवी 1973 की है और फिल्म की बना 1977 में, यानी कि मंदिर तो पहले से ही था प्राचीन मंदिर दोस्तों। बच्चन साहब इस टेंपल को बहुत मानते हैं, बिग बॉस ही फाइनली गेट इन फिल्म सिटी राइट नाउ। वी हैव सीन दिस टेंपल पोपटलाल वाले तारक मेहता में, बहुत बड़ा है टेंपल, बहुत बड़ा। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑफिशियल सेट, भगवान रखो मंदिर तुम्हारा। एंड दिस इज द फेमस टेम्पल यूज बाय एकता कपूर, तारक मेहता एंड लॉट्स एंड मोर सीरियल्स। सो वी आर सेटिंग एट द लेफ्ट साइड, राइट साइड बैठने अच्छा रहता है क्योंकि राइट साइड में सेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये मैं नोटिस किया अभी, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी व्यू दिखाने में, बट हमारा जो वो है टूर गाइड इज अमेजिंग। ऑल्सो ब्रह्मास्त्र मूवी शूटिंग इधर हुई है, जब वो चल रहे थे वाली शूटिंग इधर, बहुत मूवीज की शूटिंग हुई इधर करते हैं, महादेव को दिखाना तो काला कर देते हैं। दोस्तों बच्चे सब इधर एक फिल्म बनी है आज, खुश तो बहुत हो गए गोरी कलाई आज, खुश तो बहुत हो गए तुम। साथ में राम स्पान है, कुछ नए फिल्मों की बात करूं अभी, आपने मणिकर्णिका का पद्मावत केदारनाथ काश जबरिया जो भी सब में है दोस्तों, सिंगल सिंगल में भी है। दो मिनट में लक्ष्य कुमार साइकिल से आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ भाभी को, सिगरेट क्यों पी रहा है वो, जो अपने चिकित्सालय देखा से बनाया गया है। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में।
बच्चा बच्चा केंद्र पोलियो रविवार, कई बार ढाबा, कई बार पुलिस स्टेशन, कई बार बस डिपो, कई बार रेलवे स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन दिखाना तो ट्रेन वहाँ नहीं आती दोस्तों। दोस्तों इस तरह की साउंड को कहते हैं फॉली साउंड, डबिंग यानी कि एक्ट्रेस की आवाज के अलावा जो भी आवाजें आप सुनते हैं उसे कहते हैं फॉली साउंड। दोस्तों बहुत डिफिकल्ट साइंस है, इतना इजी नहीं है। दोस्तों श्री राम भगवान सीता मां और लक्ष्मण जो वनवास से व्यतीत करते हैं ना, मंगल भवन मंगल हारी, राम भगवान का नाम विष्णु भगवान के 1000 नामों में 394 था, मगर सबसे पहले लेते हैं क्योंकि शिव भगवान ने मंत्र दिया है। बिग बॉस का लेट 80s 90s में फेमस एपिकल ड्रामा आता था ना महाभारत, उसमें जो गीता के उपदेश का सीन आपने देखा था, श्री कृष्ण भगवान देते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य धूम चाले। ऋतिक रोशन जिस म्यूजियम में चोरी करते हैं दोस्तों, टाइगर श्रॉफ कॉलेज फिल्म स्कूल में ये टू में ऑनलाइन दिस इज मुख्तार लिमिटेड इन मूवी दिसवान। आपने देखिए अभी मूवी ब्रह्मास्त्र, ये शाहरुख खान का ऑफिस है जहाँ को गिराते हैं ऊपर से, ये ऊपर वाला। ऑन लेफ्ट साइड दिस इज द सर्व शो कॉल्ड ये रिश्ता क्या कहलाता है, इट्स अ वेरी फेमस शो। चलो मिलती है तो तारीख में चाहती है, नायक कल्याण का ऐतराज करता हूं उस कंपनी के लिए मुझे नहीं बोलता। सनी देओल की सारी फिल्में घाटा घायल दाम रिटर्न डकैत जितनी सारा के ये मैं पर दीवाना। आज शूटिंग चल रही है यहां पर दोस्तों भाग्य लक्ष्मी की। ऑन लेफ्ट साइड दिस कोट बिलोंग टू एवरी ऑल यू नो लीगल बैटल्स इन मूवीज आर शोन हियर। दूसरा मेकअप देख के, तीसरा हेयर देख करके, नॉर्मली एक्ट्रेस लोग ना ऐसे रेडी होकर के बाहर निकलते हैं, नॉर्मल बंदे भी सुबह कैसे रेडी रहेगा ना, इसीलिए। ये राइट साइड दिख रही है आपको, जो मुझे लगता है बहुत दुखी अपने हस्बैंड की बातें शेयर कर रही है, परेशान लग रहा है लाइफ में। हम भी कर सकते हैं तो डिग्री में थोड़ी ना सर। ओ अमर अभिनंदन जैकपॉट जो जूरी। दोस्तों ये जो ड्रेस में जा रहे हैं यहाँ पर ना कपिल शर्मा भी होता है एंड में, कोई कपिल शर्मा का एक्टर तो नहीं होगा एंड में जा रहा है जो लड़की उड़की बंदी घूम रहा है, उसके चांस से लड़का लग रहा है चलने वाला है ना, अली असगर दलदल से आगे स्ट्रेट नाइट। दोस्तों ये प्राइम फोकस स्टूडियोस ब्रह्मास्त्र फिल्म का पूरा VFX प्राइम फोकस ने किया है, सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों इंडिया की, आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी, इसके सेल्स भी मार्केट में आते हैं। स्ट्रेट से दैट इज प्राइम फोकस स्टूडियोस, ऑल VFX वर्क ऑफ ब्रह्मास्त्र वाज डन बाय दिस कंपनी प्राइम फोकस, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। दोस्तों बाईं तरफ KBC होता है। नमस्कार देवियों, सर जी अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाय बच्चन साहब, 11 नंबर गाड़ी खड़ी है, बच्चन साहब की गाड़ी ना वो देखो स्ट्रेट में, दैट इज मिस्टर बच्चन कार, ही इज देयर इनसाइड। द नेम ऑफ द शो इज कौन बनेगा, KBC।